आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस के सेट 10 को देखेंगे, जिसमें टॉप 20 प्रश्न को करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने सेट 9 तक पूरी तरह से कंप्लीट कराया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलते हैं इस प्रश्न के ऊपर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होगी। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल जो है नहीं हो तो दिन की अवधि क्या होगी। तो पृथ्वी पर जो है, जब वायुमंडल नहीं होगा तो दिन की अवधि जो है वह अधिक होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, अधिक होती, मतलब कि अधिक होगी या होती, बात बराबर है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा तो जो दिन की संख्या है, वो दिन की जो अवधि की संख्या है वह अधिक होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है एक प्रकार का रेडियो तरंग होता है। एक प्रकार का क्या होता है, रेडियो तरंग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है। आपने देखा होगा कि कार में जो होता है रेडिएटर लगा होता है, तो कार में रेडिएटर का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो इंजन को जो है ठंडा रखना, इसका कार्य होता है रेडिएटर का। तब हम लोग देखते हैं जनरेटर या रेडिएटर में जो होता है, हम लोग पानी डालते हैं ताकि जो हमारा इंजन है वो हीट होता है जो कार का, उसको जो है कंट्रोल करे, उसको जो है ठंडा रखे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो जो भी व्यक्ति को जो है निकट दृष्टि दोष, मतलब कि नज़दीक की चीज़ें जो होती है नहीं दिखाई देती है, तो वैसे व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निकट दृष्टि और दोष दृष्टि, ये दोनों प्रश्न हमेशा पूछे आते हैं। तो निकट दृष्टि जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें जो चश्मा बनता है उसमें जो है अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, यह प्रश्न लगातार पूछा जाता है कि निकट दृष्टि और दूर दृष्टि, देखिए दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस। तो दूर दृष्टि से पीड़ित वाले व्यक्ति के चश्मे में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे जो है किसकी वजह से टिमटिमाते हैं। तो तारे जो है अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वह बैंगनी रंग का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो आपका जो होता है डायोप्टर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, मतलब कि रडार की कार्य प्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रडार की जो कार्य प्रणाली है वह रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर जो है आधारित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसा हो जाता है। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जो कांच की छड़ होता है, तो जो छड़ होता है वो क्या हो जाता है, घनावेशित हो जाती है। घनावेशित कहने का अर्थ है कि वह जो होता है पॉजिटिव हो जाता है, मतलब सड़ जाता है आपस में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, धारिता का मात्रक होता है। तो धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका फेराडे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, NaHCO3 का नाम क्या है। तो NaHCO3 का नाम जो होता है हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन आपका ए है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, दूध खट्टा हो जाता है किसकी वजह से। तो दूध जो है वह लैक्टिक अम्ल बनने के कारण जो है खट्टा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा,
ऑप्शन आपका डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं किस क्रम में? तो घरों में लगे पंखे और बल्ब जो होते हैं ये सभी जो होते हैं समानांतर क्रम में लगे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है कब? तो पारे का जो प्रतिरोध है वह 4 केल्विन पर जो है होता है शून्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था? तो फर्मी ने जो है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, हाइड्रोजन बम आधारित है तो हाइड्रोजन बम जो है किस पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पर जो है आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है वह गामा किरण की होती है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका सी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। और ये लास्ट प्रश्न हमारा सेट का है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य के सबसे नज़दीक तारा क्या नाम है? तो सूर्य के सबसे जो नज़दीक तारा है उसका नाम क्या है? तो प्रोक्सीमा सेंचुरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सेट 10 जो है पूरी तरह से कम्प्लीट किया।